Hello students, good morning all of you. How are you all? Hope you are all fine. बच्चों आज आप सबको इंग्लिश की फोर लाइन की नोटबुक लेनी है. इस नोटबुक में आज हम आफ्टर अल्फाबेट और बिटवीन अल्फाबेट लिखने वाले हैं. तो चलो बच्चों आप सब लोग इंग्लिश की फोर लाइन की नोटबुक लेकर रेडी हो जाइए. तो हम सबसे पहले लिखने वाले हैं आफ्टर अल्फाबेट, यानी कि जो अल्फाबेट हमें दिया है उसके पीछे कौन सा अल्फाबेट आता है, उसके बाद जो अल्फाबेट आता है वो हमें लिखना है. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है बी फॉर बॉल. तो बी फॉर बॉल के आफ्टर अल्फाबेट लिखना है. तो बी फॉर बॉल के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है बच्चों? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और उसके बाद आता है सी फॉर केट. तो बी फॉर बॉल के बाद हमें लिखना है सी फॉर केट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी फॉर केट. फिर हम दूसरा लेटर दिखते हैं. ये कौन सा लेटर है बच्चों? एच फॉर हाउस. हमें उसके बाद का लेटर लिखना है. तो एच फॉर हाउस के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? आई फॉर आइसक्रीम. तो हमें यहाँ पे लिखना है आई फॉर आइसक्रीम. फिर हम देखते हैं के फॉर काइट. के फॉर काइट के पीछे का अल्फाबेट लिखना है. के फॉर काइट के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है बच्चों? के फॉर काइट के बाद एल फॉर लायन. तो हमें यहाँ पे लिखना है एल फॉर लायन. फिर ये कौन सा अल्फाबेट है बच्चों? पी फॉर पैरट. तो पी फॉर पैरट के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर केट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर हाउस, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरट और उसके बाद आता है क्यू फॉर क्वीन. तो पी फॉर पैरट के बाद कौन सा लेटर आया बच्चों? क्यू फॉर क्वीन. तो यहाँ पे हमें लिखना है क्यू फॉर क्वीन. बच्चों आप सबको भी मेरे साथ ये आफ्टर अल्फाबेट लिखते जाना है. फिर ये कौन सा अल्फाबेट है बच्चों? एन फॉर नेस्ट. एन के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? ओ फॉर ऑरेंज. तो एन फॉर नेस्ट के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? ओ फॉर ऑरेंज. तो यहाँ पे लिखना है ओ फॉर ऑरेंज. फिर ये कौन सा लेटर है बच्चों? एस फॉर सन. एस फॉर सन के बाद कौन सा लेटर आएगा? टी फॉर टाइगर. तो यहाँ पे हमें लिखना है टी फॉर टाइगर. फिर ये कौन सा लेटर है बच्चों? एफ फॉर फिश. एफ फॉर फिश के बाद कौन सा लेटर आएगा? जी फॉर गन. तो यहाँ पे लिखना है जी फॉर गन. फिर ये कौन सा लेटर है? टी फॉर टाइगर. टी फॉर टाइगर के बाद कौन सा लेटर आएगा? यू फॉर अम्ब्रेला. तो टी फॉर टाइगर के बाद आएगा यू फॉर अम्ब्रेला. फिर ये कौन सा लेटर है? एक्स फॉर एक्समस ट्री. तो एक्स के बाद कौन सा लेटर आएगा? वाई फॉर याक. तो यहाँ पे लिखना है वाई फॉर याक. फिर ये है वी फॉर वन. वी फॉर वन के बाद आएगा लेटर डब्ल्यू फॉर वॉच. तो यहाँ पे लिखना है डब्ल्यू फॉर वॉच. तो बच्चों इसी तरह से आपको भी अपनी इंग्लिश की नोटबुक में ये आफ्टर लेटर लिखने हैं. फिर हम देखते हैं बिटवीन अल्फाबेट. बिटवीन अल्फाबेट यानी कि जो दो अल्फाबेट है उसके बीच में जो अल्फाबेट आता है वो हमें लिखना है. तो यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट है ओ, खाली जगह क्यू. तो ओ और क्यू की बीच में जो अल्फाबेट आता है वो लिखना है. तो ओ पी क्यू. तो ये दोनों के बीच में कौन सा अल्फाबेट आएगा बच्चों? पी. तो यहाँ पे हमें लिखना है पी. ओ पी क्यू. फिर ये आर, खाली जगह टी. आर और टी के बीच में कौन सा अल्फाबेट आएगा बच्चों?
S for sun. R S T. फिर ये है M खाली जगह O. M और O के बीच आएगा N for nest. M N O. फिर है D खाली जगह F. D और F के बीच आएगा E. D for dog, उसके बाद E for elephant और फिर आएगा F for fish. फिर ये कौन सा अल्फाबेट है? H for house, खाली जगह K. तो H और K के बीच कौन सा अल्फाबेट आएगा? H, उसके बाद आएगा I. J, H for house, I for ice cream और उसके बाद आएगा J for joker. फिर यहाँ पे है J, खाली जगह L. J के बाद K for kite. J K L. फिर है A, खाली जगह C. A और C के बीच आएगा B for ball. तो यहाँ पे हमें लिखना है B for ball. फिर है U, खाली जगह W. U, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? V for वन. तो यहाँ पे लिखना है U V W. फिर है X, खाली जगह Z. तो X और Z के बीच कौन सा लेटर आएगा बच्चों? Y. X, उसके बाद आएगा Y और Z. फिर है E, खाली जगह G. तो E और G के बीच आएगा F for fish. E for elephant, उसके बाद आएगा F for fish और उसके बाद आएगा G for gun. E F G. तो बच्चों इसी तरह से आपको बिटवीन अल्फाबेट भी अपनी इंग्लिश की फोर लाइन की नोटबुक में लिखकर कंप्लीट करना है. तो बच्चों आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में आफ्टर अल्फाबेट और बिटवीन अल्फाबेट लिखकर कंप्लीट करना है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.